अनुशासन समिति राज्य विधिक परिषद ने वकीलों के कदाचार पर की कड़ी कार्रवाई। पीड़ित महिला की शिकायत पर 3 वकीलों पर हुई कड़ी कार्रवाई। पूर्व मंत्री बार एसोसिएशन अभिषेक पांडे का 5 वर्ष तक के लिए लाइसेंस हुआ निलंबित। देश की किसी भी अदालत में वकालत करने से राज्य विधिक परिषद ने लगाई रोक। अन्य 2 अधिवक्ताओं पर भी लगा जुर्माना। अनुशासन समिति राज्य विधिक परिषद प्रयागराज ने बार एसोसिएशन कानपुर जिला जज और जिलाधिकारी को भेजे आदेश की प्रति। कानपुर से जुबैर खान की खास रिपोर्ट। नाम है आपका? आपने किसके खिलाफ शिकायत की थी आपने? अभिषेक पांडे खिलाफ। अच्छा, कहाँ शिकायत की थी आपने? पहले यहाँ की थी कानपुर जी, उसके बाद में यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो मैं वहाँ इलाहाबाद की। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जी। अच्छा, आज उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है तो कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा तो नहीं लग रहा है, बच्चे हैं भाई, परेशान कर गए हमको, लेकिन अच्छा भी लग रहा है, बहुत परेशान हम भी बहुत हुए। किस मामले में परेशान किया उन्होंने आपको? भाई देखो, प्लाट हमारा था, हमारी पुश्तैनी जायदाद है, कोई हमारी बेची खरीदी नहीं है, बुजुर्गों की है जी। और करीब 22 साल पहले मैंने इसे बनवाया था जी। और इसके बाद में कैलाश नाथ दीक्षित से झगड़ा हो गया तो फिर मैंने इस पर केस लड़ा, सिविल से जजमेंट भी हुआ, इसके बावजूद भी उन्होंने आके गेट लगा लिया यहाँ और बहुत परेशान करा, 50 आदमी को ला ला के एक महिला को इतना सताया। मैंने एक दिन डीजल इजल डाल लिया था, बस मन कगार पे आ गए, इतना परेशान हुए। बिन गेट के मैं यहाँ 3-4 महीने रही, पड़ी रही इसी प्लाट में, ऐसी कूड़े में रहना पड़ा, बहुत परेशान हो गया। तो आज हाईकोर्ट ने उनको 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, तो आप क्या आप कहते हैं कि ठीक है? हाँ, गलती की सजा तो मिलती है बेटा।